जो नए क्रिएटर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके थोड़े सब्सक्राइबर होते हैं और थोड़ी वीडियो हो जाती है, उनके चक्कर में वो अपना जो काम कर रहे हैं उसको भी छोड़ देते हैं, जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब सपोर्ट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमें यूट्यूब को कितना टाइम देना चाहिए। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम नए नए यूट्यूबर बनते हैं और अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू करते हैं तो हम पूरा पूरा टाइम उनको दे देते हैं, वीडियो के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में, और हमारे जो और सारे काम होते हैं वो रुक जाते हैं। जिससे कि ऐसा नहीं है कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे तो आपको 100% है कि आप सक्सेस होंगे, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी जितने भी चैनल बनते हैं हर साल उनमें से सिर्फ 5% ही ग्रोथ होती है, 95% चैनल बेकार हो जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं कंटेंट तो सभी अपनी तरफ से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाते और वो वहीं के वहीं दबे रह जाते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें यूट्यूब को, हम अपना जो टाइम है, जैसे मेरा काम है सीसीटीवी कैमरे का, मैं पहले अपना काम करता हूँ उसके बाद ही ये वीडियो बनाता हूँ। आप देखेंगे ज़्यादातर जो मेरी वीडियो है 90% आपको नाइट की वीडियो मिलेंगे, क्योंकि जब मैं रात को फ्री होता हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं कभी भी अपना काम छोड़ के वीडियो नहीं बनाता। बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसे कि मैं दिन में, अगर मैं किसी दिन फ्री हूँ तो मैं वीडियो बना लेता हूँ। आप भी अगर आपके कोई और काम है या आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पहले पढ़ाई पूरी करिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब तो आप पार्ट टाइम के हिसाब से लेके चल सकते हैं क्योंकि आपको ये शुरू में इनकम करके नहीं देगा। हाँ, आप मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो भी बनाइए, लेकिन इसके लिए आप एक निर्धारित समय रख लीजिए कि भाई मुझे 24 घंटे में से 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे आपको यूट्यूब को देना है, जिसमें आपको वीडियो भी बनानी है, कंटेंट भी लिखना है, आपका वीडियो एडिटिंग भी करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम यूट्यूब को दे रहे हैं तो आप बिल्कुल एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा कि आपको ये करना चाहिए। आप 3 या 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि जो बड़े क्रिएटर होते हैं वो भी इतना ही टाइम देते हैं यूट्यूब को, और जो बहुत ही बड़े क्रिएटर हैं वो उनके लिए तो बस जॉब से जॉब वगैरह कुछ है ही नहीं, सारा कुछ यही है क्योंकि उनकी इनकम इससे हो रही है। तो अगर आप नए क्रिएटर हैं तो आप ये मत सोचिए कि नहीं यार, वो तो बड़े क्रिएटर को तो इनकम उनकी ज़्यादा है, मिलियंस में इनकम होती है उनकी, उनको उनके पास स्टाफ भी होते हैं कैमरा मैनेज के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, वो ये सब काम नहीं करते। लेकिन अगर आप ये सब काम कर रहे हैं और पूरा पूरा दिन अपने व्यूज़ चेक करने में और अपने सब्सक्राइबर चेक करने में आप वेस्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब को 4 घंटे दीजिए, और अगर आपकी किस्मत में हुआ, क्योंकि इसमें मैं मानता हूँ यूट्यूब में किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए जो चैनल 2012-13-14 से बन रहे हैं उनके भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते, लेकिन जो नए क्रिएटर होते हैं और उनकी किस्मत अच्छी होती है 2 साल में ही अपने 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर पूरे कर सकते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत, मैं मानता हूँ एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है किस्मत का। और किस्मत अगर आपकी हुई तो आप 4 घंटे मेहनत करके भी चल सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ है तो आप 4 की जगह 40 घंटे भी मेहनत कर ले, तब भी आपका यही रहेगा कि आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे अब हमें यूट्यूब को कितना टाइम देना चाहिए और कितना टाइम हमें अपने लिए निकालना चाहिए और हमें कितने अपने पर्सनल काम को टाइम देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई टेक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।